आम आदमी पार्टी के किसी ना किसी विधायक की तुहीन हो रही है ज उन्होंने माण सम्मान ज सत्कार अफसर वालों उलंघन किया जा रहा है जां फिर पंजाब के जिहड़े अफसर ने चाहे वह तहसीलदार ने चाहे SDM ने चाहे DC ने चाहे SSB ने उन्हां विधायकों नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है जिस करके रोज़ कोई ना कोई जिहड़ी इस नूं लैके तुहीन नूं लैके नज़रअंदाज करने मसले दे विच स्पीकर विधानसभा कुलतार सिंह संधवा कोलों शिकायतां पुज रही ने। नवा मसला हाले ठंडा नहीं होया सी क्योंकि जिहड़े लुधियाणा पछमी तो विधायक ने गुरप्रीत सिंह बस्सी उर्फ गोगी उन्होंने भी एक भरी मीटिंग दे विच सीनियर ऑफिसर दलीप कुमार उन्होंने जलील किया गया है बेइज्जत करके उन्हें दफ्तर चो बाहर कर दिता सी जिस करके उन्होंने गुरप्रीत बस्सी उन्होंने शिकायत विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं कर दिती। तो पिछले दिन इस मसले दे विच जिहड़ी विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी आ उन्होंने दलीप कुमार उन्होंने तलब किया सी ते ये खिमा व्यक्त किया सी कि मैं अजिहा कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी अगर MLA साहब नूं लगा तो मैं उन्होंने मिल के अपना जिहड़ा खेद आ जां माफ़ी मन लवांगा। इस प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन ने MLA कुलवंत सिंह पंडूरी हुण सवाल आ कि कुलवंत सिंह पंडूरी इस प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन उन्होंने कोल ही केस आउंदे ने ते ओ केसां दी सुनवाई करदे ने ओहो ही फिर संबंधित जिहड़ा अफसर आ जिहड़ा तुहीन करदा जां जलील करदा जां बेइज्जत करदा जां नज़रअंदाज करदा किसी भी MLA नूं किसी भी पार्टी दा होवे फिर इह प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन विधानसभा के जरिए उस संबंधित अफसर नूं तलब करदे ने। हुण नवा पंगा यह पै गया नवा रेड़का यह पै गया नवा मसला यह खड़ा हो गया नवी मुश्किल यह खड़ी होगी कि जिहड़े पंजाब विधानसभा दे विच MLA दी हितां दी अधिकारां दी रक्षा करने वास्ते जिहड़ी कमेटी आ जिहड़े अफसर तुहीन करदे ने जलील करदे ने नज़रअंदाज करदे ने उस कमेटी के चेयरमैन जिहड़े कुलवंत सिंह पंडूरी ने उन्होंने ही एक पुलिस के अफसर ने नज़रअंदाज कर दिता। उस अफसर की ये दोष लगे ने कि वह ना तो उन्हें फोन चक्या ना SMS का जवाब दिता तो ना ही किसी मसले के फोन तो चकते नहीं तो ना ही वह सुनेहा लेंदे है। इस मसले के जो साढ़े जानकार दसते हैं कि जिहड़े प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन तो जिहड़े MLA ने कुलवंत सिंह पंडूरी उन्होंने इस मसला जिहड़ा वा वह विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा होना को उठाया। जो जानकार दसदे कि जिहड़ा जो कुलतार सिंह संधवा होना को शिकायत गई तो उन्होंने तुरंत विधानसभा के स्टाफ के जरिए उस पुलिस अफसर SP रैंक के अधिकारी दसे जाते हैं जिन्हों का नाम है प्रदीप सिंह संधु उन्होंने तलब कर लिया। जिस करके जब तलब किया तो उन्होंने जिहड़े पुलिस के अधिकारी वह कहें कि मैं MLA साहब नाल मिल के मसला हल कर लवान लेकिन जो साढ़े जानकार दसते हैं कि हले तक मसला हल नहीं होया यह हूँ मसला पंजाब विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को पहुँच जाऊगा। सब तो वड्डी गल है कि जुलाई के दूजे हफ्ते का केस हैगा और जिहड़ी शिकायत दी गई है प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन MLA कुलवंत सिंह पंडूरी वालों उन्होंने कहा कि वह कई बार फोन कर चुके कोई भी फोन उन्होंने नहीं सुने SP ने मैसेज भेजे मैसेज का जवाब नहीं किया और जान बुझ के नज़रअंदाज किया जा रहा और इतों तक कि उन्होंने खुद बतौर MLA होने के नाते बतौर प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते बरनला के SSP ने भी कहा कि मैं कई फोन कर चुका ताडे SP प्रदीप सिंह होना कोई जवाब नहीं मैं मैसेज कर चुका कोई जवाब नहीं मैं सुनेहे भेजे कोई जवाब नहीं इस करके जान बुझ के नज़रअंदाज किया जा रहा एक चुनी हुई नुमाइंदे का बनता माण सत्कार नहीं दिता जा रहा उल्टा तुहीन की जा रही है नज़रअंदाज करना मीन तुहीन है तुसी चुने हुए नुमाइंदे नूं वह भी जिहड़ा दूसरी बार MLA बने हुआ तुसी उहदी परवाह नहीं करते। इस मसले नूं लैके हुण यह मसला स्पीकर कोल पहुंचिया SP जिहड़े ने प्रदीप सिंह संधु वह हले तक पहुंचे नहीं है MLA कोल ते ये हुण मसला मन्निया जा रहा है कि प्रिविलेज कमेटी को जाऊगा जिथे इस पुलिस अफसर नूं तलब किया जा सकता है। जिवें बीते दिन एक IS ऑफिसर दलीप कुमार होना तलब किया गया एक घंटा पहला उन्हें वेट करवाया इंतजार करवाया गया फिर उस तो बाद उन्होंने जवाब तलबी हुई पेशी हुई उस तो बाद उन्होंने लगा दलीप कुमार होना कि नहीं मेरे को गलती हुई है हूँ वो अपनी गलती स्वीकार कर चुके
और ये जिहड़ा एसपी आ प्रदीप सिंह संधू ये भी हुण इस मसले दे विच मन्निया जा रहा सुनन च आ रहा कि भज ना ठकर है कि किते ना किते छुटकारा मिल जाए। और क्योंकि जे छुटकारा विधानसभा दे विच पहुंच गया उत्थे इस प्रिविलेज कमेटी दे विच हर पार्टी दे एमएलए हुंदे ने, सरकार दे एमएलए भी होणगे, श्रोमणी अकाली दल दा भी इक अद्धा होगा, कांग्रेस पार्टी दा भी इक अद्धा मैंबर होगा। इस कमेटी दे विच फिर डिसाइड किया जाऊगा कि जे ये जिहड़ा पुलिस अफसर एसपी आ जे ते खिमा माफी मंग लैंदा ते लाजमी तौर ते छुटकारा हो सकदा, नहीं ते प्रिविलेज कमेटी इहदे खिलाफ कुछ भी एक्शन लैण वास्ते सिफारिश कर सकदी आ। और प्रिविलेज कमेटी अगर सिफारिश कर दिंदी आ ओ लागू होना लाजमी हैगा। और रूल ये कहिंदे हैगे ने कि विधानसभा दे स्पीकर कोल पावरां इन्नियां ने कि ओह एक घंटे तो लैके छे महीने तक जेल भी भेज सकदे हैगे ने ते जिहड़ी जमानत भी नहीं मिलदी। पिछले यूपी दे विच अजिहा होया कि एक एमएलए दे नाल वधीकी कीती गई सी पुलिस अफसरां वल्लों ते उहनां नूं छे महीने वास्ते बाद च जेल भेज दित्ता गया सी। अजिही स्थिति देखदे हां कि जिवें पहलां दलीप कुमार हुणी सुनन च आ रहा कि माफ़ी मंग गए ने ते छुटकारा पा गए ते की हुण ये जिहड़े एसपी आ जिहड़े ना फोन चुकदे ने ना एमएलए दे जिहड़े मोबाइल स्नेहां दे जवाब दिंदे ने ना दूजे निजी तौर ते स्नेहे लैंदे हैगे ने ना उहनां दे फोन दा जवाब, इत्थों तक कि उहनां ने एसएसपी नूं कहा तद भी इस एसपी ने ना एमएलए की परवाह की ना अपने एसएसपी की परवाह की। हुण मसला पंजाब विधानसभा कोल पहुंच गया ते जे विधानसभा की मर्यादा कमेटी ने सख्त स्टैंड लै लिया, सख्त आदेश कर जारी कर दिते, इस अफसर नूं लैणे दे देने पै सकदे हैगे ने, क्योंकि विधानसभा के कानून मुताबक अगर कोई भी अफसर चाहे वह छोटा चाहे वह वड्डा चाहे वह चपड़ासी चाहे डीसी है चाहे सिपाही है चाहे एसएसपी है अगर किसी एमएलए दे नाल तुहीन करता जलील करता नज़रअंदाज करता हैगा बंदा माण सत्कार नहीं दिंदा हैगा तो उहदे खिलाफ विधानसभा सख्त तो सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। स्पीकर विधानसभा कुलतार सिंह संधवाणी पहले ही कह चुके ने कि अगर विधायकों का कोई माण सत्कार जिन्हें ना किया हैगा नज़रअंदाज करने की कोशिश की तुहीन करने की कोशिश की हैगी तो उहदे खिलाफ विधानसभा सख्त तो सख्त कार्रवाई करने तो भी टलेगा नहीं है। हुण देखदे आ कि इस मसले दे विच इस एसपी दा मसला किवें हल हुंदा, माफ़ी मंगणगे जां फिर इन्हां दे खिलाफ विधानसभा सख्त तो सख्त कार्रवाई कर दे आदेश दे सकदी आ। फिलहाल इस खबर दे नाल ही तुहाडे तों लैंदे आ गया पर तुसीं देखदे रहो एबीसी पंजाब। धन्नवाद।